हेलो दोस्तों, यूनी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। और आपको पहले भी बताया गया था कि इस चैनल के माध्यम से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और कंप्यूटर का नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। जैसा कि आप देखे होंगे कि मेरे पिछले वीडियो में कंप्यूटर्स मैथ संबंधी वीडियो जारी किए गए थे, और इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 के विज्ञान से संबंधित जानकारी प्रोवाइड करूंगा। जिससे कि कहा जाता है कि विज्ञान कक्षा 10 के विज्ञान को चार भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है 1 से 5 पाठ तक आपको रसायन विज्ञान में, 6 से 9 पाठ तक जीव विज्ञान में, और 10 से 14 पाठ तक आपको भौतिक विज्ञान में, और 16 और 17वां पाठ आपके लिए पर्यावरणीय विज्ञान में डिवाइड किया गया है। हाँ दोस्तों, मैं इन सब चैप्टर में, इन पाठों के बारे में, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो, बारी बारी से आपको अवगत कराऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो भी पुराने वीडियो जो आपको पसंद आए होंगे, और चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक भी किए होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, यूनी कोचिंग सेंटर में ये कक्षा 10 का सिलेबस, जिसमें भौतिक विज्ञान पाठ 10, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश की मेन लाइट होती है, अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टिज्ञान को जागृत करता है। अर्थात प्रकाश के कारण ही वस्तु भी दिखाई देती है, चाहे वो वस्तु कोई भी हो सकता है। ठीक, इस तरह से कहा जाए तो ये प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो इस प्रकाश के तक जब ऊर्जा है, तो ऊर्जा के नियम होंगे, इसके उपयोग होंगे। तो प्रकाश के ऊर्जा के जो नियम है, वह है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण इत्यादि। तो इसमें कह सकते हैं कि जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, वस्तुओं को दिखाई देने के आधार पर, या प्रकाश के कारण जो वस्तुएं दिखाई देती हैं या प्रकाशित होने के आधार पर, वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं। दूसरा है आपका अदीप्त वस्तुएं। इसमें से नंबर 1 लिया जाए प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं। तो कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, प्रकाशित होने का मतलब दिखाई देना, जो स्वयं के प्रकाश से दिखाई देते हैं, ऐसी वस्तुओं को प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, लालटेन, विद्युत बल्ब इत्यादि। ये सब वस्तुएं अपने यानी स्वयं के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इसमें थे आपके सूर्य, लालटेन, विद्युत बल्ब इत्यादि। तो इसमें इसके विपरीत होंगे, अर्थात अदीप्त वस्तुएं, अर्थात वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते, अर्थात किसी दूसरे की सहायता से दिखाई देते हैं, ऐसी वस्तुओं को अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो जैसे इसमें कह सकते हैं चंद्रमा, सुने होंगे आप लोग कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। कहने वाले लोग कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश से वह चार्ज होता है, यानी कि चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, दिखाई देता है। और पृथ्वी भी कह सकते हैं कि ये भी आपकी अदीप्त वस्तु है, ये भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। इस तरह से देखा जाए वस्तुओं को दिखाई देने के आधार पर जो वस्तुएं होती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं, प्रदीप्त और दीप्त वस्तुएं। ठीक है, प्रकाश किरणों के गमन करना, यानी प्रकाश किरणें एक स्थान दूसरे स्थान पर जाती हैं, यानी वो वस्तुओं में से भी होकर जा सकती हैं, तथा गमन के आधार पर जो आपके वस्तुएं होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होता है पारदर्शी, नंबर 2 होता है अल्पपारदर्शी, और नंबर 3 होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी तीस तरह से कहा जाए, नंबर 1 पारदर्शी, अर्थात कह सकते हैं कि प्रकाश किरणें जिन वस्तुओं में से होकर पार कर जाते हैं या गमन कर सकते हैं, ऐसी वस्तुओं को पारदर्शी कहा जाता है। जैसे कह सकते
हवा, जल इत्यादि। जैसे हवा में से प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पार कर जाती है, तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहा जाएगा? पारदर्शी। यानी हवा, जल, ये सब क्या है? तेल इत्यादि जो है आपके पारदर्शी पदार्थ हैं। दूसरा है अल्प पारदर्शी। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, यानी आंशिक, अर्थात वे वस्तुएं जिनमें से प्रकाश आंशिक रूप से पार होती है, थोड़ा बहुत पार कर पाती है, ऐसी वस्तुओं को अल्प पारदर्शी कहते हैं। जैसे गंदा जल, गंदा जल, घिसा हुआ कांच, और तेल लगा हुआ कागज इत्यादि, तो ऐसे वस्तुओं को अल्प पारदर्शी कहा जाता है। फिर नंबर तीन है अपारदर्शी। वे वस्तुएं जिनमें से प्रकाश पार नहीं कर पाता, जिनमें गमन नहीं कर पाता, ऐसी वस्तुओं को अपारदर्शी कहा जाता है। जैसे ईंट, पत्थर, पुस्तक, मिट्टी इत्यादि, ऐसी वस्तुएं आपकी अपारदर्शी कहलाती हैं। तभी प्रकाश की किरण, अर्थात कह सकते हैं रे ऑफ लाइट, तो प्रकाश किरण या प्रकाश कह सकते हैं कि प्रकाश जो है कि समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जिस रेखीय मार्ग पर गति करता है उसे प्रकाश की किरण कहा जाता है। कह सकते हैं कि प्रकाश किरण जैसे सूर्य से होकर प्रकाश किरण पृथ्वी पर आती हैं, तो ये किरणों के रूप में आती हैं। और फिर कह सकते हैं कि जो ये प्रकाश किरणें यदि एक समूह में हो, अर्थात प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश किरण पुंज तीन प्रकार का होता है। पहला होता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज, और दूसरा होता है अपसारी प्रकाश किरण पुंज, और तीसरा होता है समांतर प्रकाश किरण पुंज। लेकिन पहला है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, तो अभी मतलब दबना, अर्थात जब प्रकाश किरणें एक बिंदु पर जाती हुई प्रतीत होती हैं या एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब ये प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिल रही हो, तो ऐसे प्रकाश किरणों को ही अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और नंबर दो है आपका अपसारी। अप मतलब उठना, तो इस तरह से कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरणें या जब प्रकाश किरणों का समूह एक बिंदु से जाते हुए प्रतीत होती हैं, तो ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी कहा जाता है। जैसे यहां से देख सकते हैं जो भी प्रकाश किरणें हैं यहां से जाते हुए प्रतीत होते हैं, जा रहे हैं, तो ये हो गया आपका अपसारी प्रकाश किरण पुंज। फिर नंबर तीन है आपका समांतर प्रकाश किरण पुंज। समांतर शब्द का मतलब होता है कि किरणों के बीच समानांतर होना। कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरणें परस्पर समांतर हो, तो ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं या प्रकाश किरण पुंज है वह तीन प्रकार के हैं। अभिसारी एक बिंदु पर मिलना, अपसारी एक बिंदु से जाना, समांतर यानी परस्पर समांतर होना। टॉपिक है आपका प्रकाश किरणों के गुण या प्रकाश के गुण, यानी प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं, तो इसमें नंबर एक है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा का मतलब है रेखीय रेखा पर गति करता है, यानी प्रकाश सीधी रेखा पर या सीधी रेखा में गति करता है। नंबर दो है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, अर्थात प्रकाश में विद्युत और चुंबकीय गुण दोनों पाए जाते हैं, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है।
और नंबर तीन है प्रकाश निर्वात। निर्वात का मतलब है कोई माध्यम नहीं होना चाहिए, अर्थात प्रकाश निर्वात भी 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड की गति से गति करता है, अर्थात 10^8 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड की गति से गति करता है। और फिर कह सकते हैं कि प्रकाश निम्नलिखित नियमों का पालन भी करता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण, ये सब चीजें हम पहले ही बता चुके थे आपको। इस तरह से देखा जाए इस वीडियो में आपको प्रकाश से संबंधित प्रकाश की परिभाषा और कह सकते हैं वस्तुएं दिखाई देने के अनुसार जो वस्तुएं प्रकाश वस्तुओं के प्रकार हैं और गमन के अनुसार वस्तुओं के प्रकार और प्रकाश किरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स।